कानपुर नगर से है। रतनलाल नगर में ऑपरेशन के दौरान मरीज की हुई मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। ऑपरेशन के दौरान हुई मरीज की मौत, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। सभी रिश्तेदार एकत्रित अस्पताल के बाहर कर रहे हंगामा। डॉक्टर की गलती हुई मरीज की मौत, मानने को तैयार नहीं। निवासी उर्मिला राठौर की ऑपरेशन के दौरान हुई मृत्यु, परिजनों का कहना है डॉक्टरों की लापरवाही से हुई मौत। डॉक्टर ए के पांडे आहूजा नर्सिंग होम के मालिक रतनलाल नगर स्थित हॉस्पिटल पुलिस मौके पर मौजूद। थाना गोविंद नगर का है यह पूरा मामला। अस्पताल प्रशासन लिपा पोती में लगा, पत्रकारों से की बदतमीजी। डॉक्टरों को नहीं है किसी को डर, बोलते हैं सीएमओ को देख लेंगे हम। ऐसा ही मामला कानपुर में कई अस्पतालों में देखने को मिला है, जिनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। परिजन भटक रहे हैं। न्याय की गुहार लगाने के लिए अभी एक हफ्ता पहले स्वरूप नगर के निजी अस्पताल में ऐसी ही मामला देखने को मिला। कौन देता है इनको मौत देने का लाइसेंस? जिला प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, सीएमओ साहब फोन उठाते ही नहीं है। शुगर के भयंकर मरीज, जब तक ये शुगर कंट्रोल ना हो हमारे मरीज का ऑपरेशन नहीं। तो इन्होंने शुगर की पी, अरे हम डॉक्टर है कि तुम डॉक्टर हो? हमने कहा तो साढ़े 12 बजे रात में जब उन्होंने नापी है, आपने तो कहा कि 3 बजे रात में क्या मरीज जिसका से आप पूछेंगे 3 बजे क्या 2 बजे होगा? जब आप पूछना पड़ेगा जब आप इलाज आप करोगे कि हम करेंगे इलाज? हम लोग मीडिया मीडिया से हो तो क्या मीडिया मतलब डॉक्टर भी जानती है क्या? नहीं नहीं वो नहीं जानती। 4 घंटे के अंदर शुगर नॉर्मल हो जाती है? डॉक्टर नहीं जानते। 4 घंटे अगर शुगर नॉर्मल हो जाती है आप उन्हें कैसे आप मतलब हर बार मरीज से पूछेंगे? हर बार जाएंगे मरीज पूछने? जब मरीज भर्ती होता है तो इस कंसेंट से भर्ती होता है कि हम भर्ती हो रहे हैं, आपको हमारा ऑपरेशन करना है और आपको हमारे सारे पैरामीटर्स नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मल करके आप हमारा ऑपरेशन करेंगे, इसकी वो परमिशन देता है। जब वो परमिशन दे देता है तभी तो भर्ती करते हैं, पहले भर्ती कर देते हैं। लास्ट में आपने जब ऑपरेशन किया उसके पहले शुगर की जांच की, उसकी रिपोर्ट है? हाँ उसके पास रिपोर्ट है, हमारे सारी रिपोर्ट आई है। पीड़ित कह रहा है कि आपने 50,000 रुपये का देने का कहा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। पीड़ित कह रहा, पीड़ित कहते हैं 50 लाख दे रहे हैं तो क्या? तो आप भी कह सकते हो शुगर में नापी थी उसके लिए कहे भाई, अभी अभी 1 लाख रुपया देने के लिए कहे हमें नहीं देना हमको। अरे आप दीजिए, कौन हम भिखारी थोड़ी है मांग रहे हैं। अरे आपके उसके बाद सर इन्होंने बोला कि पैसे जमा कर दिया उसको 1,000 रुपये जमा किए पैसे। इन्होंने हमसे ये भी नहीं पूछा कि आपके पेशेंट को मैं पसंद करने जा रहा हूँ। सर लापरवाही से इनकर वो थी डॉक्टर की लापरवाही। जब 342 शुगर थी, देखिए पांडे, जब 342 शुगर थी तो उनको पेशेंट नहीं करना चाहिए था। क्यों किया उन्होंने? एक बार हमसे पूछे भी चाहिए ना। हाँ जी चाचरी थी मेरे, नहीं वहाँ ऑपरेशन की समय नहीं पैसे जमा करने के लिए भेज दिया। इसके बाद जब अंदर लेके जाएगा कोई नहीं था, किसी से पूछा भी नहीं, हमने मना किया था, हमने मना किया था ऑपरेशन नहीं करना है, मना करने के बावजूद जबरदस्ती क्या लापरवाही मानते हैं? किस कारण डॉक्टर की लापरवाही? क्या गलत इंजेक्शन से या क्या कौन सी? हमने मना किया था कि 342 शुगर है, हमने मना किया था कि ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, इन्होंने जबरदस्ती ऑपरेशन किया। डॉक्टर की लापरवाही, डॉक्टर की गलती से मेरी माँ मरी है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनके दोनों हाथ टूट गए थे पहुँचा से, तो हम अस्पताल लेके आए और वो शुगर की मरीज थी। अस्पताल लेके आए तो अस्पताल में भर्ती कराया। कौन सा अस्पताल है? ए के पांडे, ये आहूजा। किसके द्वारा भर्ती कराया था? खुद लेके आए थे हम फिर? तो यहाँ पे भर्ती करवाया, उसके बाद में दबावा चलने लगी, पैसे जमा करवाए, पैसे जमा कर दिए। शुगर हमने कहा टेस्ट करो, तो शुगर टेस्ट करने पर शुगर थी 388। तो हमने डॉक्टर साहब से कहा जब तक हमारे मरीज की शुगर सही नहीं हो जाती है तब तक इनका ऑपरेशन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी डॉक्टर तुम हो या हम, मेरी जिम्मेदारी, मेरे अस्पताल में आया है। तो हमने कहा ठीक है। तो ट्रीटमेंट चालू हो गया, शाम को 20% कम हुई, फिर रात में 12:25 पर 342 थी और इन्होंने 6 बजे
फिर चेक करी, हम चले गए थे लेटरिन बाथरूम करने सुबह, तब तक करके हम लौट के आए, हमने हाथ धो, देखो हमने, अरे भाई सिस्टर जी हमारे मरीज की कितनी है शुगर और ब्लड प्रेशर, क्यों तुम क्या डॉक्टर, तुमको बताएं, तो चलो उधर बैठो। हमने दो तीन बार पूछा, और लोग मरीज थे वो बोले कि बहुत बदतमीज़ हैं, ये बताते क्यों नहीं जब उसका मरीज है, और बस इतने कह के वो चली गई। 8 बजे लगभग आए कि तुम्हारे मरीज़ का ऑपरेशन होने जा रहा है और जो पैसा बाकी हो जमा करो, उसके बाद ऑपरेशन होगा। हमने कहा ठीक है। अब मेरे घर का कोई नहीं था, केवल हम अकेले थे, हम पैसा इधर करने जमा चले आए और ये लोग हमारे मरीज़ को ओटी लेके चले गए। जब पैसा जमा करके हम वहाँ पहुँचे तो हमने पूछा पड़ोसियों से, कहीं वो तो उसमें बैठार के ऊपर ले गए, जब ऊपर भाग के गए, हम विकलांग आदमी हैं, एक पैर हमारा ख़राब है, तो ये लोगों ने कहा कि ऑपरेशन में चले गए और तो तुम उधर बैठ जाओ। तो हम वहीं बैठे बैठे आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, डेढ़ घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। जब मैं इन लोगों से पूछा तो कहते काम हो रहा है, चुपचाप उधर बैठो। हमें शक हुआ तो हमने अपने घर फ़ोन किया, रिश्ते नातेदारों को बुलाया, जब वो लोग आए तब इन्होंने बताया कि इनकी मौत हो गई है। और मौत होने किसकी लापरवाही से मौत हुई, क्या डॉक्टर के, किस चीज़ का इलाज चल रहा था, शुगर का इलाज कंप्लीट नहीं हुआ था और इन्होंने ऑपरेशन कर दिया, पेट में इंजेक्शन लगा के। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर ए के पांडे। क्या लग रहा आपको कि क्या किस तरीके की लापरवाही हुई इसमें? शुगर की मतलब कंट्रोल नहीं थी और इन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और उसमें मतलब इनको होश नहीं आया, ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इनको सख्त 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 से सख्त इनको और इनके डिपार्ट को सख्त सख्त सजा दी जाए। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को हमने कर नहीं पाई, इन्होंने पहले कर दी, क्योंकि मैं साहब विकलांग आदमी, कहीं दौड़ भर नहीं पाया और मेरा यहाँ कोई था नहीं, और इन्होंने पुलिस बुला के अपना पहले काम यहाँ चालू करवा दिया। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इन लोगों को सख्त सख्त सजा दें और इनको अंदर करो। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।